नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे चीज़ों की जो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं। ये वीडियो मेनली बिगिनर्स के लिए है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत पहले से ट्रेड करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये पांच चीज़ें जानते हो या आप इसे फॉलो करते हो। सो गाइज, लेट्स बिगन विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। सो मार्केट कैप ही डिसाइड करता है कि कौन सा क्रिप्टो कितना पावरफुल है और उसके अंदर कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे भी है जिनका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा, वो टॉप 100 के लिस्ट में आते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, बट उनकी जो इनिशियल प्राइस है वो काफ़ी कम है। सो आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि मार्केट कैप ज़्यादा है लेकिन फिर वो कॉइन की रेट कम क्यों है। सो उसका मेन रीज़न है कि उनका सप्लाई ज़्यादा होता है। सप्लाई ज़्यादा होने के कारण उनके कॉइन की रेट कम होती है, बट डिमांड ज़्यादा होने के कारण उनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा होता है। सो मार्केट कैप देखना बहुत ज़रूरी है कौन से भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो क्रिप्टो का, उतनी ही वो क्रिप्टो की रैंकिंग ज़्यादा होगी। सो यही एक बेसिक कंसेप्ट है मार्केट कैप की, जिसके ऊपर वो क्रिप्टो की रैंकिंग डिसाइड होती है। बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में बिगिनर्स होते हैं वो मार्केट कैप नहीं चेक करते और वो डायरेक्ट बाय करते हैं कौन से भी क्रिप्टो करेंसी को। एंड वो बाय करते हैं ये देख के कि हमें 1000 रुपीज में कितने सारे क्रिप्टो करेंसीज आएंगे, और अगर हम शिबा यूनु की बात करें तो 1000 रुपीज में हमें बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे, बट मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड मार्केट कैप का ये भी एक एडवांटेज है कि आपको पता चलता है कि ये क्रिप्टो फ्यूचर में कैसा रहने वाला है एंड इसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट्स कितने गुना बढ़ सकते हैं। सो मार्केट कैप देखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ 24 आवर्स में वो क्रिप्टो कैसा ट्रेड हो रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो क्रिप्टो इन लास्ट 24 आवर्स डाउन है तो वो कितने परसेंटेज से डाउन है एंड उसके अंदर इन्वेस्ट हम करना चाहिए या नहीं, वो सब रिसर्च करने के बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये स्टार्टिंग में गलती की थी। मैंने भी मार्केट कैप नहीं देखा था एंड डायरेक्टली कोई भी क्रिप्टो में जो कि बूम कर रहा है उसके अंदर मैं बाय कर लेता था, बट वो एक स्ट्रेटेजिक वे नहीं है कोई भी क्रिप्टो परचेज करने का। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप कोई भी क्रिप्टो में ट्रेड मत करो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें सेम ही तो है, बट नहीं, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। सो मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर्स की। सो ट्रेडर्स का एक मोटो होता है कि उन्हें एक दिन में 10% का प्रॉफिट करना है क्रिप्टो करेंसीज में। सो वो एक दिन में उनके अमाउंट क्रिप्टो करेंसीज में डालते हैं एंड उसके अंदर जब प्रॉफिट्स होते हैं तब उसके अंदर से एग्जिट हो जाते हैं। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कोई भी क्रिप्टो का चार्ट, उसको आप 1 ईयर के टाइम पीरियड पर रख दो, सो आपको ये पता चलेगा कि एक टाइम पीरियड बाद काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है एंड वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो मिस करते हैं और जो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं वो उस प्रॉफिट के मज़े उठाते हैं। सो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करें ना कि ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग करने में हमें हर मिनट के ग्राफ्स चेक करने पड़ते हैं एंड उसके अंदर हमें प्रॉफिट्स बुक करने पड़ते हैं, वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और ट्रेडिंग एक हमारा एक सेपरेट जॉब हो जाता है। ग्राफ्स के ऊपर हमें हर सेकंड के अंदर वॉच रखना पड़ता है। एंड अनदर थिंग इन ट्रेडिंग इज, उसके अंदर हमें पता चलना चाहिए कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, और वो क्रिप्टो करेंसीज में अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड ट्रेडिंग करते वक्त और एक बात जो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कब वो क्रिप्टो में हमारा पैसा लगाए, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए। सो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो ना कि ट्रेड। आप एक इन्वेस्टमेंट प्राइस डिसाइड कर सकते हो जो क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करना है, और एक टारगेट डिसाइड कर सकते हो, मतलब जब वो क्रिप्टो की प्राइस आपके टारगेट प्राइस से मैच करेगी तब आप वो क्रिप्टो को सेल करके आपके प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। मतलब आप अपना टाइम टारगेट और प्राइस टारगेट सेट करके रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। वो क्रिप्टो के अंदर आपको थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपको ये भी दिखेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देने लग गई है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक बैंक FD के नज़र से देखो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो श्योरली वो बैंक FD से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देता है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उतना अच्छा खासा प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू से, कोई भी क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन फीस या गैस फीस हमें लगती ही है। सारे फीस डिफरेंट होते हैं, अपने हिसाब से वो सेट हुए होते हैं। एंड हमेशा ये कोशिश करो कि आप एक ही पर्टिकुलर एक्सचेंज पे आप सारे क्रिप्टोस बाय करते हो,
जैसे कि मैं कॉइन D6 पे बाय करता हूँ एंड उसके अंदर जो हमें ट्रांजेक्शन फीस लगती है वो बहुत ही ज्यादा कम लगती है। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर अब तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है सो मैं एक आपको ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है कॉइन D6। ये आपका यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है, आपको इसके अंदर मोर देन 100 क्रिप्टोज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है एंड इसके अंदर आप विड्रॉल भी काफी इजीली कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स। सो गाइस, ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज को जानने में इंटरेस्ट है सो इनका एक प्लेटफॉर्म है D6 Learn, उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे कोर्सेज बनाए हैं आपको सीखने के लिए ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो आप ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करो जिसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन फीस काफी ज्यादा कम लगती है। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हैं सो उसके अंदर ट्रांजेक्शन फीस लगती है, सो उसका भी आप ख्याल रखें। अनदर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज इज आप क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक करो। गाइज, स्टेकिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके क्रिप्टो कुछ समय के लिए लॉक हो जाते हैं और उसके ऊपर आपको एक काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड स्टेकिंग करके आप एक पैसिव इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। काफी लोगों को स्टेकिंग का कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं है सो मैं उसके अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये बात ध्यान में रखो कि स्टेकिंग करना काफी अच्छा होता है आपके क्रिप्टोस के ऊपर। एंड स्टेकिंग के अंदर भी दो टाइप्स है, एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और दूसरी एक फिक्स्ड स्टेकिंग। एंड अगर आप कोई भी क्रिप्टो परचेस करके छोड़ देते हो तो उसके अंदर आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है, बट स्टेकिंग करने के बाद आपको काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं अलग अलग क्रिप्टो के ऊपर। एंड सब क्रिप्टोस के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड किए गए हैं एंड उसके अंदर ड्यूरेशन भी लाइक 1 day, 2 day और 30 days का ड्यूरेशन होता है। सो उतने टाइम पीरियड के लिए आपके क्रिप्टोज लॉक हो जाते हैं एंड उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो 0% इंटरेस्ट से अच्छा है कि आपको थोड़ा फार इंटरेस्ट रेट मिले आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। एंड मैं आपको ये एक बात भी बताना चाहता हूँ कि कॉइन D6 के अंदर भी आप क्रिप्टोज को स्टेक कर सकते हैं। सो नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होने लग गए हैं आजकल, सो जितना आप स्कैमर्स से बच के रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। किसी को भी फंड्स ट्रांसफर करने से पहले ये देखिए कि वो आदमी लिजिट है या नहीं, उसके बारे में पहले रिसर्च करके रखे एंड देन ही आप कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आप ये बात भी ध्यान में रखो कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की क्रिप्टो में एंड अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ सो वो ट्रांजेक्शन को फिर से रिवर्स करते नहीं आता है। सो आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने से पहले सारे चीज़ों का ध्यान रखें, उसको पहले बराबर वेरीफाई कर ले, देन ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें। एंड वो बात भूल ही जाओ कि वो क्रिप्टो आपको कोई आदमी डबल करके दे रहा था, ट्रिपल करके दे रहा था, आपको आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आप खो चुके होंगे। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। एंड ये थे मेरे 5 ऐसे क्रिप्टो के अंदर चीज़ें जो आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले मालूम होने चाहिए। एंड अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं सो कॉइन D6 ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके ऊपर आप क्लिक करके वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।